हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। अब मैंने साबूदाना की खिचड़ी तो खा ली थी और आपको रेसिपी भी दिखा दी थी, पर मेरा आज मन ये कर रहा है कि मैं आज बेसन के लड्डू खाऊं। तो चलिए बनाते हैं, बनवाते हैं बेसन के लड्डू। पर मेरी बेटी बहुत ही कामचोर है, तो आइए आपको सिखाती हूँ अपनी बेटी से काम कराने की निंजा टेक्निक्स। देखनी है आपको, फिर दिखाती हूँ। प्रांजलि कहाँ रह गई? हाँ मम्मी, यार मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है, तेरा भी कर रहा होगा ना? और बेसन के लड्डू बना दे मेरे लिए। बेसन के लड्डू? यार मम्मी तुम ही बना दो ना, तुम बहुत अच्छा बनाती हो यार, मेरा तो मन होने लगा खाने का। मम्मी बना दो ना प्लीज, मम्मी प्लीज। हे भगवान, इसीलिए तो तुम लोगों का पाल पोस के बड़ा करा था ना इतना बड़ा। तुम्हें तो खिलाते वक्त मैं नहीं कहती कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, और इनके तो चोंचले निकलते जाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं भी मना कर देती हूँ ना आज से, मैं भी नहीं बनाऊंगी काम। मैं क्यों करूँ भाई काम? अपने आप अपना अपना काम करो। जब माँ को नहीं बना के खिला सकते तो मैं माँ क्यों बना के खिलाएगी भाई? अब बस बस बहुत हो गया, बस अब तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं नहीं रहना चाह रही हूँ इस घर में, मेरे बच्चे मेरा कहना ही नहीं मानते। मैं तो क्यों रहूँ भाई, मैं क्यों रहूँ भाई, है ना? बताओ बताओ, मैं नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूँगी। ठीक है भैया, मालिक प्रभु जा रहे हैं, तो चिल्लाए ना करो बस तुम्हें, मतलब है। तो देखिए ना आप लोगों ने मेरी निंजा टेक्निक, ऐसे कराते हैं हम काम। हेलो गाइस, और हम आ गए अपनी किचन में फिर से एक और फरमाइश को पूरा करने के लिए। ये आपके साथ भी होता होगा कि मम्मियां तरह तरह की बातें बनाकर हम लोगों से काम निकाल ही लेती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बेसन के लड्डू की रेसिपी, तो जल्दी से बनाते हैं और मम्मी को खिलाते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम लोगों ने लिया यहाँ पर एक कटोरी बेसन और एक कटोरी घी। बेसन हमने यहाँ पे पैकेट वाला यूज़ नहीं किया है, हम लोगों ने घर में ही चने की दाल को पीस के इसको थोड़ा सा दरदरा कर दिया, क्योंकि बाजार का बेसन बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और उससे बेसन के लड्डू इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे डालेंगे एक कटोरी घी। अब इसको थोड़ा सा गरम करेंगे घी को। तो यहाँ पे हमारा घी गरम हो चुका है और हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे। चला इसको अच्छे से चलाते रहना, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर वो हमारा लड्डू अच्छा नहीं बने। इसको मैंने मीडियम टू हाई के बीच में रखा हुआ है फ्लेम को, और अच्छे से स्टायर करते रहेंगे ताकि लम्स ना आए। अब इसको कंटिन्यू स्टायर करते रहेंगे इसका कलर चेंज होने तक, और कंटिन्यू नीचे से चलाते रहें ताकि नीचे तल में ना चिपके हमारा बेसन। और ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है यहाँ पर। अब देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, ब्राउन सा होने लगा ये। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और कंटिन्यू ऐसे स्टायर करते रहें। अब हमारा एकदम कलर अच्छा आ गया इसका, ऑलमोस्ट पक गया। ये देखिए थिक भी हो गया बहुत ज़्यादा हमारा बैटर। अब इसमें हम लोग डाल देंगे यहाँ पर इलायची और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़का लगाएंगे ताकि इसमें इसके जो दाने वो अलग अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से बबल्स आए। ये क्या करता है, ये हमारे ना बेसन के लड्डू में एक दानेदार बनाता है ये बेसन के लड्डू को। तो एक बार पानी का छिड़का इसमें डाल दें और ऐसे ऐसे बबल्स बन जाएंगे इसमें। और बस 2 मिनट पका के इसको ठंडा करने के लिए रख दें। ये देखिए बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पिसी हुई चीनी और बनाएंगे लड्डू। 4 बड़े चम्मच डाली हमने चीनी। अब इसको अच्छे से बाइंड करेंगे और बना लेंगे बेसन के लड्डू। अब हमने अच्छे से इसका डो बना लिया, अब बनाएंगे लड्डू। बस सिंपल अपनी शेप के लड्डू बना देंगे हम इसको। इसमें इतना घी पड़ा हुआ है कि अपने आप ही शेप आ जाएगी।